तो फिर धीरे धीरे करके आराम से लिट्टी को हम सीझने देंगे ताकि अच्छा से एकदम सीझ जाए। तो अब देखिए अब इसका मजा लेते हैं। यहाँ पर लिट्टी तोड़े या लिट्टी को यहाँ डाले एकदम ग्रेवी में, इसके बाद एकदम आप लोग भी आनंद लीजिए। कैसा लगा आपको? तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों अभी लगभग 12 बजने वाला है, दिन का 12 बजने वाला, और मौसम एकदम बहुत ही बदली वाला, केवल ठंडा मौसम। तो हम लोग को आज प्लान बना है, आज नया ईयर पे, नया साल पे आज बनाया जाए चिकन और लिट्टी। तो अभी सब जा रहे हैं चिकन लाने के लिए, गाड़ी उधर लगा हुआ है, गाड़ी वहाँ लगा हुआ है, तो गाड़ी से जाएगा सब चिकन लाने के लिए, और हांडी वाला चिकन बनेगा और चिकन और लिट्टी का आज व्यवस्था है। तो चलिए हम लोग बनाएंगे एकदम देसी स्टाइल में चिकन और लिट्टी, वो भी एकदम खेत में जाके दूर कहीं। तो दोस्तों अभी चिकन बनाने के लिए, जो हांडी वाला चिकन उसको बनाने के लिए अभी लकड़ी का इंतजाम किया जा रहा है, और ये बन चुका है हम लोग का चूल्हा, इसी में सब लकड़ी बो जाएगा और फिर लहरा कर छोड़ दिया जाएगा ताकि कोयला बन जाए, और फिर उसके बाद इसको हम लोग हांडी को रखेंगे उसके ऊपर में, और झोला में सारा सामान है। तो दोस्तों अभी चिकन में हम नींबू ऐड कर रहे हैं, नींबू ऐड करेंगे, मसाला ऐड करेंगे, और इसको सान के रख देंगे लगभग लगभग आधा घंटा के लिए, ताकि चिकन अच्छा से मैरिनेट हो जाए, अच्छा से मतलब फूल जाए। अब इसमें प्याज काट के सान देंगे, और सानने के बाद फिर इसको हम सबको मिक्स कर देंगे। तो गाइज हमारा ये चिकन पूरा एकदम रेडी हो चुका है। अब इस हांडी को गर्म करेंगे, तेल को गर्म करेंगे, और ये चिकन को पूरा डाल देंगे उसी में। तो हम लोग बना रहे हैं चंपारण स्टाइल में चंपारण हांडी मीट। तो यह चिकन का मटन तो है नहीं कि चंपारण हांडी मटन बनेगा। चिकन बन रहा है, लिट्टी के लिए तैयार हो रहा है आटा। प्रोसेस आगे बढ़ गया, अब आग लगाया जाएगा, इस भट्टी को जलाया जाएगा, डाल देंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है पानी सूख जाए और गर्म हो जाए, ताकि जब गर्म हो जाएगा तो इसमें तेल डालेंगे, उसके बाद फिर सारा चिकन इसमें डालेंगे। तो पहले इसको हम गर्म होने के लिए इस पर रख देते हैं। कोयला रेडी हो गया है, इस पर हांडी रख दिया, उधर कोयला बनते रहेगा, उसको धीरे धीरे लाते रहेंगे, साइड में लहर रहा है। तो अभी हमारा तेल गर्म हो गया पूरा एकदम, ये पूरा तेल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे फौरन। अब फौरन डाल के फिर डाल देंगे चिकन, डाल देंगे फौरन डालने के बाद, तो ये लहसुन खराब लहसुन डाल दे रहे हैं, अंदर डाल दिया लहसुन, सारा गर्म हो गया है, मतलब कि लहसुन सब भून गया। अब इसमें तेजपत्ता डाल रहे हैं, ये है खड़ा वाला गर्म मसाला, ये डाल देंगे फौरन में, ये मसाला है खड़ा वाला, उसको डालेंगे हम फौरन में। डाल के इसे थोड़ा चला लेंगे, और सारा तेल, अब देखिए पूरा एकदम हांडी गर्म हो गया मस्त। अब इसमें भुना गया, अब इसमें डाल देंगे पूरा अपना जो भी है चिकन, ये चिकन है सारा को इसमें डाल देंगे। लग नहीं रहा कि इसमें चिकन अट जाएगा, चिकन है ज़्यादा, हांडी है छोटा, नहीं लग रहा कि इसमें चिकन अटेगा, लेकिन देखिए क्या होता है। चिकन तो अट गया, नहीं लग रहा था कि अट जाएगा, लेकिन अट गया। अब इसको एक बार थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि तेल में अच्छा से मिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छा एकदम धमाका रहा है, ये चल गया। अब इसके ऊपर रख देते हैं इसको, अरे ये आटा है, इससे इसको पैक कर देते हैं। बड़ी तड़प है, बड़ी कोशिश है, मेरी चाहत में हजार मजनू बने पागल, मेरी मोहब्बत में एक दिन जान। मैं आटा से पूरा कर दें, अब ऊपर में एक होल है छोटा सा, देखिए इससे थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि अंदर जो बाष्प बनेगा वो थोड़ा थोड़ा निकलेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम पैक कर देते हैं, इस होल को भी पैक कर देते हैं ऊपर से।
आग पे रख दिया, धीमा धीमा सीझेगा और हल्का हल्का उधर से जो कोयला है, जैसे जैसे मतलब ये आग अगर बुझते जाएगा तो हल्का हल्का कोयला ला के साइड से देते जाएंगे और लगभग लगभग 45 मिनट में पूरा स्विच का अच्छा से रेडी हो जाएगा। तो ठीक है, स्विच जब निकलता है बनकर तो हम आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों मन तो रहा था अभी पिकनिक हम लोग का, लेकिन जो धान पिटा रहा है मेरा ही पिटा रहा धान, तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, मतलब आ गए थे जो मेरा खेती किए हुए हैं तो आ गए थे, तो फिर धान पिटना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पास देखने आना भी था तो बीच बीच में छोड़ छोड़ के आते रहते हैं। बगीचा के उस साइड में ही हम लोग का पिकनिक मारा, जो बगीचा है बगीचा के उस साइड में है जो हम लोग का चिकन और लिट्टी बन रहा है, और इधर धान पिटा रहा है, तो बीच बीच में देखने आना भी पड़ता है कि मतलब अच्छा से पिटा रहा है कि नहीं। कुछ भी कर, तो इधर बच्चा लोग को भी इधर पिकनिक मर रहा था, इन लोग भी चिकन और चावल बनाया था जो कि हम लोग खा पी भी लिया, और साथ में औंधा भी लगाया था आलू वाला, वो भी खत्म कर दिया इन लोग, और हम लोग का भी तो स्टार्टिंग हुआ है। और दूसरे साइड में लड़की लोग भी बना रही है चिकन लोग, ऐसा भी चिकन और चावल ही बना रही है। 45 मिनट हो गया है, इसको हम एक बार उतार कर बाहर निकाल कर इसको हम एक बार चलाएंगे, चलाकर अंदर से मिक्स कर लें ताकि अंदर सटे नहीं जले नहीं। तब दोस्तों इसको हम चाकू से पहले काट लेते हैं सबको। अब इसको एक दो बार आधिया डालू भैया। तो देखिए ये हो गया मीट मसाला, अब इसको इसमें डाल देते हैं, ऊपर से ऊपर और रख देंगे। ये हो गया, ये धनिया पत्ता। स्टार्टिंग में तो हांडी पूरा भर गया था, देखिए कितना खाली हो पत्ती डाल दिया ऊपर से, और चार पत्ता भी ले डालूं। अब इसको हम फिर से थोड़ा ढक देते हैं, बंद हो जा ढक करके, बस एक मिनट ये पलंगा डाल दे। अब इसको फिर से रख देते हैं यहीं पास हल्का हल्का एकदम साइड में, वहां से जो धार लग रहा है वहां से जो हीट आ रहा है बस हीट से हल्का हल्का गर्म होते रहेगा। इधर सत्तू रेडी है, और इधर सलाद है, बस खाली दारू नहीं है क्योंकि बिहार में बंद है दारू और कोई लड़कन पीता नहीं है। तो अब लिट्टी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब इसमें जल्दी जल्दी सत्तू भरा जा रहा है, सत्तू भर के आग पे सब डाला जाएगा लिट्टी को, ताकि गर्मा गर्म लिट्टी निकलेगा और उसके बाद फिर हम लोग चिकन लिट्टी खाना स्टार्ट करेंगे। अब लिट्टी को आग पे रखने के लिए आग को थोड़ा फैला देते हैं ताकि हल्का आग धीमा हो जाए, जिससे लिट्टी जले ना, और लिट्टी हम लोग को पूरा भरा गया था, अब इसको सारे आग पे डाल देंगे लिट्टी को, और फिर धीरे धीरे करके आराम से लिट्टी को हम सीझने देंगे ताकि अच्छा से एकदम सीझ जाए। तो सारा लिट्टी हल्का हल्का आधा आधा सीझ गया, जिसको साइड में निकाल के फिर से आग को अच्छा से करके इसको पूरा लिट्टी रेडी हो गया। हमारा लिट्टी यहाँ पर सब बनकर तैयार हो गया है, ऐसा सब लगे हुए हैं लिट्टी को निकालने में। देखे यहाँ हांडी में से चिकन निकाल दिया, लाजवाब दम लग रहा है, दिखा के दिखाए। अब देखिए अब इसका मजा लेते हैं, यहाँ पास लिट्टी तोड़े या लिट्टी को यहाँ डाले एकदम ग्रेवी में, इसके बाद एकदम आप लोग आनंद लीजिए। कैसा लगा आपको? दोस्तों अभी खाना उना हो गया, लिट्टी और चिकन खा लिए, अभी हरियर बर्तन सब लेके जा रहे हैं घर। अब बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, लगभग 8 बज गया रात्रि के, तो बैठ के आग तापेगा सब, कहा कि बहुत ज्यादा ठंड भी लग रहा है, खाने के बाद जो पानी था बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।